हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये एक ग्रीस पंप है, बड़ा वाला है। ये 50 केजी का ग्रीस पंप है। ये एक मैनुअल ग्रीस पंप है जो हाथ से छोटी जगहों पर ग्रीस भरने के लिए काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, आपके सामने बहुत ही सारे नए नए प्रोडक्ट्स हैं जो आपको देख पा रहे हैं। ये दरअसल में प्रोडक्ट जो का नाम है, मैं आपको बता दूं, देख के आप पहचान भी गए होंगे। ये ग्रीस पंप है हमारे पास न्यूमेटिक के लिए, जो पीछे कंप्रेसर रखा हुआ है उससे भी ऑपरेट होगा। आपके पास अगर कोई कंप्रेसर है उससे भी ऑपरेट होगा, छोटा कंप्रेसर होगा उससे भी ऑपरेट होगा। तो ये बेसिकली 50 केजी का एक ग्रीस पंप है जो जेसीबी वाले हैं, ट्रक वाले हैं, जो छोटी मोटी गाड़ी वाले हैं, फोर व्हील वाले हैं, ग्रीस को भरने का काम जिसका भी होगा उसको ये उपयोग में आएगा। पूरा डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एक नया पंप लेके आया हूँ और ये सारे पंप बिल्कुल नए हैं। और ये मैनुअल पंप है जिसके अंदर आपको हाथ से छोटी जगहों के ऊपर हाथ से आपको ग्रीस भरना हो वो भर सकते हैं। उससे बड़ा भी एक पंप है जो डीमेर कंपनी का है। ये सारे पंप किंग टूल सूरत के ऊपर आपको अवेलेबल रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो का अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर पूरा डिटेल रिव्यू में डेमो के साथ आपको बता दूंगा मैं। धन्यवाद। मिलेगा पूरा आपको, कोई भी सामान जो होगा वो किंग टूल से हम लोग को डिलीवर करेंगे और डैमेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा कुशन लगा के ये इसीलिए मैं कंप्लीट आपके सामने पैक पीस लेके आया हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर हमसे कोई भी माल मंगाएगा वो कंप्लीट ऐसे ही पैकिंग करके आपको मिलेगा। तो आपका सामान आपके पास आपके एकदम नए जैसा आपको मिल जाएगा। हर जगह पे कुशन लगाए हुए हैं, पुट्ठे लगाए हुए हर जगह पे। हमारे कई व्यूअर्स कहते हैं कि भाई हमें सामान मंगाना है मगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे मंगाए, पैकिंग सही से होगा कि नहीं। हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई व्यूअर्स अभी तक मंगा भी चुके हैं सामान मगर कई ऐसे होते हैं जो असमंजस में रहते हैं कि सही सामान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आज मैं पूरा पैक हमारा था वही मैं लेके आया हूँ। ये कंप्लीट ऐसे आपका पैक करके आपको मिलेगा। देखिए ऊपर का जो मेन इसका कंपार्टमेंट है, ये जो यहाँ पर जो न्यूमेटिक जिसको बोलते हैं, यहाँ पर न्यूमेटिक गन लगेगा और न्यूमेटिक का पूरा सिस्टम है। ये भी पूरा कवर किया हुआ होगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही हम लोगों को भेज देंगे, कम्प्लीटली पूरा कवर करके हम आपको भेजेंगे कि आपका पैसा बर्बाद ना हो और आपका विश्वास हम पर बना रहे। ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है स्पेशल आपके लिए। ये 25 केजी का है और न्यूमेटिक सीरीज में है। ये भी न्यूमेटिक है, ये भी न्यूमेटिक है। सारे पंप के अंदर सारा मैकेनिज्म एक सरखा आपको मिलेगा। ये 50 किलो का है, ये 25 किलो का है, वो 15 किलो का है और जो छोटा मैनुअल वाला मैंने आपको बताया है छोटा वाला, वो आपको 10 केजी का मिलेगा। और आपको एकदम छोटी वाली जगह में अगर आप जाएंगे तो आपको ये हैंड वाला मिलेगा। हैंड वाला भी बहुत आसान है, ये तो हर कोई को पता होगा मगर जो अभी नए आए हैं मैं उनको बता दूं। बस यहाँ पर ग्रीस भर देना है और ये रबर को यहाँ पर ठूस देना है, दबा के आपका अंदर चला जाएगा, उसको फिटिंग कर देना है। ये दूसरा वाला भी उसी तरीके से अपने आप ये चला जाएगा, आपको सिर्फ भर देना है इसके अंदर। प्रेशर ये अपने आप बनाता रहेगा, इसका वैक्यूम बनाया हुआ है, ये धीरे धीरे अपने आप रिलीज होता रहेगा आपका, यहाँ से जाता है। आपको बस यहाँ से इसको
पुश करना है, यहाँ से ग्रीस जहाँ पर भी डालेंगे आपका हो जाएगा काम। तो इसको हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं, और ये न्यूमेटिक पंप के व्हील भी आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको कहीं पर भी ले जाना हो आप ले जा सकते हैं। इसमें ग्रीस की गन आपकी यहाँ पर लग जाएगी, मैं खोल के बता देता हूँ पूरा आपको। किंग टूल सूरत से आपको मिल जाएगा ये हमारा पूरा सामान। सो पूरा उठा लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अंदर का क्या क्या। पहले एसेसरीज में आपको बता देता हूँ, ये पूरा रॉड होता है, यहाँ से ग्रीस का हवा अंदर जाएगा और बाहर आएगा पंप के अंदर, आपको कंप्लीट गन वगैरह कंप्लीट मिलेगा। ये सब आपका मशीन के अंदर ही आएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा के अंदर परचेस करना नहीं रहेगा। पंचर वाले अभी ये पैसा वसूल चीज़ चल रही है अभी, क्योंकि ये ग्रीस ऐसी चीज़ है वो आदमी की हाईवे पर भी खलास होती है कि कहीं पर पंचर वाले के यहाँ भी गए हैं, उसने व्हील खोला हुआ है, तो ये पंचर वालों के यहाँ तो कंप्रेसर तो रहता ही है। अभी ज़्यादातर पंचर वाले जो होते हैं वो अपना इनकम बढ़ाने के लिए अभी ग्रीस का भी काम शुरू कर दिया है उन्होंने। तो अगर आप ये एक मशीन ले लेंगे तो आपको क्या रहेगा, आपका पंचर के साथ साथ आपका ग्रीस का भी काम चल पड़ेगा, और कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको अच्छा मुनाफा इसमें मिल सकता है। कंप्लीट वो भाव भी मैं आपको पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे, और डिस्क्रिप्शन में हमारे शॉप का एड्रेस भी आपको दे देंगे, किंग टूल सूरत का। और ये भी पूरी मूवेबल है, वन इतना टाइट किया हुआ है मगर फिर भी आपको ऐसा नहीं कहीं पर भी आप ले जा सकते, और हॉर्स पाइप भी एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए एक प्लेट है इसके अंदर, आ जाइए यहाँ पर, इसको प्लेट को मुझे ऊपर खींचना पड़ेगा। देखिए कितनी हैवी प्लेट है ये प्लेट है सॉलिड मेटल में ये, और आजू बाजू इसके अंदर तकरीबन 6 mm का रबर दिया हुआ है। आपको पूरा ग्रीस इसके अंदर भर देना है, ग्रीस भरने के बाद ये प्लेट को इसके ऊपर रख देना है सिर्फ। ये देखिए ये अटक गए बीच में प्लेट, अभी मैंने जैसे ग्रीस भरा हुआ ऐसे ही अटक गई है ये प्लेट। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला जो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है इसको यहाँ पर मुझे ये डाल देना है। जो होल सेंटर होल रहता है उसमें आपको थोड़ा मिलाना रहेगा, एक बार आप उसको मिला देंगे, ये थोड़ा खाली है उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है, ये आपने मिला दिया कंप्लीट, यहाँ से आपको आपने लॉक कर दिया, वैक्यूम हो जाएगा ये पूरा। गन भी मैं आपको लगा के बता देता हूं, मैं ये जो गन है लगाना बहुत ही आसान है, देख लीजिए गन के अंदर आगे दिया हुआ है नोजल, यहाँ पे छोटा सा नोजल आप देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे पुश कहाँ पर है ये इसका, अच्छा ये रहा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पे नीचे के हिस्से में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी पूरा ग्रीस लगा हुआ है यहाँ पर पे भी, के एक बार ग्रीस में ये फिक्स हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको तो क्या है पाने से एक बार आप कस देंगे, बार बार मूव करना नहीं रहेगा, ये तो मैं अभी डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। इसको एक बार यहाँ पे हाइड्रोलिक का हम इसका ये लगा देंगे यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। का पिन मेरे पास ऐसा पाइप भी आप लेंगे तो आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यहाँ पर आपको इसको पुश कर देना है, एक लॉक लगा देना है यहाँ पर, कंप्लीट आपका सेटअप हो जाएगा। हो गया ये कंप्लीट न्यूमेटिक, आपको टाइट कर देना, टाइट कर देना इसको जब इस्तेमाल करेंगे।
अभी क्या है कि इसको प्रेशर अभी ये प्रेशर अंदर बन रहा है उसके लिए थोड़ा अभी क्या है कि ये पूरा ग्रीस का पंप पूरा भरा हुआ नहीं है उसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। एक बार ये पूरा भर जाएगा तो क्या पूरा प्रेशर बना लेगा और एक प्रेशर पे आके ये जो इसका आवाज़ है बंद हो जाएगा। मैं आपको वो भी चेक करके बता देता हूँ, ठहरो मैं बता दूँ। हमको चालू किया इसमें से आवाज़ आ रही थी तो उसके अंदर क्या है, ये एक सेफ्टी की चीज़ है। ये सेफ्टी के अंदर अगर ये पूरा आपका पंप खाली हो गया जिसके अंदर से पूरा ग्रीस ख़त्म हो गया तो आपके पंप में से ऐसी आवाज़ आ जाएगी। इसका मतलब आपको यहाँ पर ग्रीस भरना रहेगा और ये अगर पूरा भरा हुआ रहेगा या आधा भी भरा हुआ रहेगा तो ये वाली आवाज़ आपकी नहीं आएगी और आराम से आप इसके अंदर न्यूमेटिक से भी काम कर पाएंगे। इसकी जो गन है वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया है और ऐसे ही पंप यही सिद्धांत पे ये वाला पंप भी काम करेगा मगर इसकी कैपेसिटी 10 किलो 15 किलो है इसकी। वो छोटे वाले पंप की जो कैपेसिटी है वो 10 kg है और ये मैनुअल है हमारा ये वाला, ये हमारा 10 kg का है और वो वाला 15 kg है, ये हमारा 25 kg है और ये सबसे बड़ा पंप है हमारा 50 kg का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही हैवी सामान हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे स्टूडियो पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आएगा और आप इसको पूरा वीडियो का अंत तक देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपको, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि जो पहला हम वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आराम से देख सके। ये देख लीजिए, ये तकरीबन 15 किलो या 20 किलो का मैं आपको पूरा डिटेल इसका बता देता हूँ। ये इसके अंदर कितने की जो किलो ग्रीस आएगा, एक बार मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। ये मुझे लग रहा है सबसे छोटा वाला है क्योंकि एक वो हमारे पास है वो तकरीबन 15-20 kg का है, एक उससे बड़ा है और एक ये है और ये 50 kg का है। तो ये 15 kg का होगा, 10 kg का है यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है 10 kg है। ये 50 है और ये 10 है। हाँ, ये बड़े मियाँ है और ये छोटे मियाँ है। हाँ, इसके अंदर आपको अगर ये व्यूअर्स हमें पूछेंगे कि भाई ये दोनों के अंदर हमको कौन सा चूज़ करना है, तो आपके पास अगर ज़्यादातर गाड़ी आती है, बड़े JCB आते हैं, बड़े बड़े ट्रकें आती है आपके पास, दिन में 10-20 ट्रकें आती है, तो बार बार क्या आपको ग्रीस लोड नहीं करना पड़ेगा। सुबह में आपने एक मरतबा ग्रीस लोड कर लिया, इसमें पूरा दिन आपका चलता रहेगा। अगर आपके पास कामकाज कम है और छोटी छोटी जगहों में आपको जाना है तो आपको ये छोटा वाला पंप चलेगा कि जिसके अंदर आपको क्या है, छोटी जगह पे भी जाएंगे और आपका जल्दी जाए इसका काम भी हो जाएगा, आपका मूव हो जाएगा। ये बॉक्स के अंदर देख लीजिए, पूरा एक सेक्शन आता है ग्रीस भरने वाला, ये इसका पकड़ने वाला पूरा दिया हुआ है, ये भी पूरा मूवेबल है। यहाँ से आप इसको कहीं पर भी, ग्रीस की जो नोजल होती है वहाँ पर इसको पुश करेंगे, लॉक हो जाएगा उसमें और आपका ग्रीस चला जाएगा इसमें। हॉर्स पाइप भी इसकी बहुत हैवी है, एकदम हैवी वाली हॉर्स पाइप है, हल्की नहीं है कि आपकी कहीं अटक गई। देखो कैट कंपनी इसके ऊपर मार्किंग दी हुई है कैट की, बहुत हैवी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। बता दे आपने, हाँ अरुण भाई, एक ही मिनट, वो क्लियर हो जाएगा, जूम बराबर है, पर 716-4 और इसका पूरा गेज अंदर दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया हॉर्स पाइप है। और इसको यहाँ पर फिटिंग करने के लिए यहाँ पर एक नोजल दी हुई है, यहाँ पे आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो रबर की गास्केट अंदर दी हुई है, देख लीजिए आप, यहाँ पे इसकी रबर की गास्केट दी हुई है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस आपको ऐसे लगा देना है इसको ऐसे करके, अंदर पुश करेंगे, ये आपका फिट हो गया, कंप्लीट हो गया। ये पूरा मैनुअल है, ये हैंडल वाला है, यहाँ पर साइड पे इसका हैंडल दिया हुआ है, ये भी पूरा मैं आपको खोल के बता देता हूँ।
सारे प्रोडक्ट हम आपके लिए ब्रांड न्यू लेके आते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट अगर खरीदना हो तो आपको आइडिया आ जाए कि भाई ये मैं खरीदना है कि नहीं है, वो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। एक बार मैं आपको इसका ढक्कन खोल के बता देता हूँ। पूरा इसका ढक्कन है और यहाँ से ये आप जैसे इसको पुश करेंगे ये अंदर नीचे की तरफ पुश करेगा। स्प्रिंग भी दी हुई है यहाँ पर प्रेशर के लिए। रबर एकदम कंप्लीट है। ये हमारे ट्रक वाले हैं, अगर जिसके पास 3-4 ट्रकें हैं वो भी अपने लिए पर्सनल भी एक ग्रीस पंप खरीद सकता है। हर बार के झंझट से और हर बार कारीगर के प्रॉब्लम से उसको दिक्कत ना हो तो वो अपने आप हाथ से भी खरीद सकता है इसको। मनचाहे क्वालिटी का ग्रीस पंप। ये बाहर की तरफ आएगा, उधर वो इसका हैंडल लगेगा मुझे। पहले बराबर था। ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, एक आदमी को यहाँ पर प्रेशर देना रहेगा, यहाँ फिर रखने की जगह भी दी हुई है यहाँ पर, ये ऐसे करके आपको रखना है जिससे आपका ग्रीस पंप उठेगा नहीं। और क्या, एक आदमी यहाँ से प्रेशर देगा और आराम से यहाँ से निकलता रहेगा, आपका काम हो जाएगा। तो मूवेबल है, बहुत ये मूवेबल है और ये मैन्युअल है। अब हम आपको और एक अनबॉक्सिंग करके बता देते हैं। ये हमारा जो दूसरा वाला ग्रीस पंप है, ये पूरा न्यूमेटिक सीरीज वाला है। पहले तो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। बहुत ही बढ़िया पैकिंग।